हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपके सामने फिर एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के दौरान किया जाने वाला सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ क्या है। लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं, ये शिकायत करते हैं कि हम बिज़ी हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि बिज़ी होने की बजाय प्रोडक्टिव बने, क्योंकि बिज़ी होना किसी भी रिजल्ट को जन्म नहीं देता है। आप बिज़ी रहेंगे इससे आप प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाते हैं। हमेशा आप ये कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन यह एक सरासर झूठी बात है, क्योंकि हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। वो सभी के लिए 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 23 घंटे हैं या किसी के पास 25 घंटे होते हैं। तो दोस्तों सभी के पास 24 घंटे होते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम उस 24 घंटे का अच्छे से यूज़ में लें। हम हमारी चीज़ों की एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है तो हम वो करें, कौन सा काम कम इम्पोर्टेंट है तो वो हम बाद में करें। अगर हम हमारे पूरे दिन को ऑर्गेनाइज नहीं करके रखेंगे तो इससे हम कभी भी प्रोडक्टिव कार्य नहीं कर पाएंगे, कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे जो आप दूसरे कामों में लगे हैं या आप कोई तीन चार काम एक साथ कर रहे हैं, तो तीन चार कामों को छोड़कर आप एक एक काम बारी बारी करें, इससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगली बार जब भी आपको यह महसूस हो कि आप बिज़ी हैं, तो अपने आप से कहें कि मैं बिज़ी नहीं हूँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ। तो इससे आपको प्रोडक्टिव होने में सफलता मिलेगी। और दोस्तों अंत में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।